आज हम व्यापार के शर्तों के माप और व्यापार के शर्तों को मापने में कठिनाइयों के बारे में बात करेंगे। पहले हम व्यापार की शर्तों की माप के बारे में चर्चा करेंगे। व्यापार की शर्तों के विभिन्न रूप है, किंतु सामान्य रूप से विदेशी व्यापार की शर्तों को सूत्र के द्वारा मापा जा सकता है। और व्यापार की शर्तों की माप का जो सामान्य सूत्र है, किसी वर्ष विशेष में विदेशी व्यापार की शर्तें बराबर आयात मूल्यों का सूचकांक अपॉन निर्यात मूल्यों का सूचकांक गुणा 100। यदि निर्यात कीमतों की तुलना में यदि आयात कीमतों की तुलना में निर्यात कीमतों में अधिक वृद्धि होती है, तो यह व्यापार की शर्तों में अनुकूल परिवर्तन होने का सूचक है। इसके विपरीत, यदि निर्यात कीमतें आयात कीमतों की अपेक्षा कम बढ़ती है, तो यह व्यापार की शर्तों के प्रतिकूल परिवर्तन होने का सूचक है। तो व्यापार की शर्तों की माप के बाद हम अब व्यापार की शर्तों को मापने में जो कठिनाइयाँ आती है, उन कठिनाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। व्यापार की शर्तों की धारणा बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु इसको मापने में अनेक कठिनाइयाँ आती है, जो कि इस प्रकार है। निर्देशांकों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंडेक्स नंबर। प्रोफेसर टाजिंग व अन्य अर्थशास्त्रियों ने व्यापार की शर्तों को नापने के लिए निर्देशांक के निर्माण करने का प्रयत्न किया है। यदि दो देश एक वस्तु का निर्यात करते हैं और केवल एक ही वस्तु का आयात करते हैं, तो व्यापार की शर्तों के निर्देशांक को बनाना बहुत सरल होता है। वास्तव में आयात निर्यात व्यापार में विविध प्रकार की वस्तुओं के सम्मिलित किए जाने के कारण निर्देशांकों को बनाना बहुत कठिन कार्य है। कीमत निर्देशांक बनाने में आने वाली सभी कठिनाइयाँ व्यापार शर्तों के निर्देशांक बनाने में भी आती है। भारांकन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वेटेज। आयात निर्यात कीमत निर्देशांकों के निर्माण में भी विभिन्न वस्तुओं को भार प्रदान करने की समस्या उत्पन्न होती है। कारण यह है कि न केवल विभिन्न वस्तुओं का महत्व विभिन्न देशों में अलग अलग होता है, बल्कि समय के साथ साथ एक ही राष्ट्र में विभिन्न वस्तुओं का महत्व बदलता रहता है। ऐसी स्थिति में निर्देशांक वास्तविक स्थिति को व्यक्त नहीं कर पाते। अगला बिंदु है वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। दीर्घकालीन व्यापार की शर्तों के निर्माण में समय के साथ साथ वस्तुओं की किस्म में परिवर्तन की समस्या भी पैदा होती है। कई बार वस्तुओं की कीमत में सुधार ही उसकी कीमत में परिवर्तन का मुख्य कारण होता है। उदाहरण के लिए, 1980 में बनाया गया गोदरेज फ्रिज तथा 2000 में बनाया गया गोदरेज फ्रिज एक होने पर भी एक वस्तु नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल कीमतों में परिवर्तन व्यापार शर्तों में परिवर्तन का सही माप नहीं है। किस्म में परिवर्तन अधिक प्रभाव निर्मित वस्तुओं पर होता है। अगला बिंदु, आयात निर्यात में समय अंतराल की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ टाइम लैग्स इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। व्यापार की शर्तों की गणना प्राय किसी वर्ष में आयात निर्यात की तुलनात्मक कीमतों के द्वारा की जाती है, परंतु वर्ष भर में कीमतें एक सी नहीं बनी रहती और कोई भी देश किसी वर्ष की अवधि की कीमतों में परिवर्तन का लाभ उठाकर अपनी व्यापार की शर्तों को अनुकूल बना सकता है, परंतु कीमतों के निर्देशांक उनका मार्ग प्रदर्शन नहीं करते। व्यापार शर्तें उसी समय सही स्थिति
का दिग्दर्शन करेगी जब आयात और निर्यात व्यापार एक समय में किए जाते हैं। व्यापार की शर्तों को मापने में जो अन्य कठिनाई है वह परिवहन, बीमा आदि की लागत, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस। प्राय परिवहन लागत, बीमा आदि पर किए गए व्यय आदि को आयात मूल्य में सम्मिलित कर लिया जाता है, परंतु निर्यात के मूल्य में इन मदों पर किए गए व्यय को सम्मिलित नहीं किया जाता। अर्धविकसित राष्ट्रों के सामने आयातित वस्तुओं के भुगतान के साथ साथ इन सेवाओं के भुगतान की भी समस्या रहती है। विकसित राष्ट्रों के लिए निर्मित व्यापार की शर्तें सही स्थिति का दिग्दर्शन नहीं कराती है, क्योंकि आयातित वस्तुओं के मूल्य में परिवहन, बीमा आदि लागतें भी सम्मिलित रहती है। इस प्रकार व्यापार की शर्तों को मापने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।